3, 2, 1. जय हिंद बॉयज, आप लोगों ने एज एकेडमी को सब्सक्राइब किया होगा और मेरे और हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस जो कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्रैक करने में मदद करेंगे वो देख लिए होंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें और ये रिस्पांस देखते हुए मैंने जो अभी 17 नवंबर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ख़ास तौर पे कुछ एक वीडियोस पोस्ट किए हैं। अभी जो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो बातचीत होगी कि अब 17 नवंबर में जो मात्र 7-8 दिन बचे हैं, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज आर परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ कीवर्ड जिसके बारे में हम आज कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप सबने केक जरूर खाया होगा लेकिन केक बनने में काफ़ी टाइम लगता है, आइसिंग जो होती है उसमें कम समय लगता है और आइसिंग से केक की कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो आज हम आइसिंग की बात करेंगे। प्रिपरेशन टाइम आपका जनरली ओवर हो चुका है क्योंकि हमने ये मेरे पुराने वीडियोज़ में और हमने पहले जो बातचीत करी है यही देखा है कि हमें अगर हमने 2 से 3 महीने एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करी है तो हमें सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। सबको मालूम है कि एनडीए के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जीएटी, एम एंड जीएटी। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, जीएटी 600 मार्क्स। टाइम दोनों के लिए 2.5 आवर्स 1 पर्टिकुलर डे पे, एक ही दिन में होता है लेकिन मार्किंग स्कीम दोनों की फ़र्क होती है। ये इसमें जो 300 मार्क्स का होता है इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 600 मार्क्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं। सो ऑन एन एवरेज इफ यू सी 120 मार्क्स में एक हरे क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, यहाँ पर हरे क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि हम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की बात है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में नेगेटिव मार्किंग इज 0.83, दैट इज 33%। जीएटी में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1.33 होती है। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखने की बात है। अब हम जो मैथ्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है इसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ। पहले मैं जो आपका सेकेंड पेपर है उसी दिन जीएटी, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ध्यान दें, ये आपको बहुत मदद करेगा 17 नवंबर या आने वाले सब्सिक्वेंट एग्जाम्स के लिए। ओके बॉयज, इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में जैसे मैंने बताया 150 मार्क्स, सब्जेक्ट्स इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस एंड अगर इसको हम ब्रॉड 4 हिस्सों में बांटेंगे तो इसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंग्लिश इज पार्ट ए एंड रिमेनिंग थिंग्स इन पार्ट बी। ओके, सो अब इनको हम ब्रॉडली हम देखेंगे कि जनरल साइंस में आपका ऑब्वियसली आपको पता भी है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है। सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो ये अगर ब्रॉडली बात है तो हम इसमें कैसे ऑप्टिमाइज करके 600 में से कम जो कि हम मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि आपके जो 150 क्वेश्चंस हैं इसमें से कम 60 क्वेश्चंस का अगर आप टारगेट बनाएंगे, कम से कम राइट 60 क्वेश्चंस का, तो आपका स्कोर बनेगा 240, विच इज़ ए गुड स्कोर। मिनिमम की बात कर रहे हैं, विच इज़ ए गुड स्कोर टू क्लियर इट। ऑब्वियसली यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 100%, 100% नॉट अचीवेबल, सो आई से अबाउट 50-60% का अगर आप अचीव कर लेते हैं सो यू विल बी एबल टू डू वेल इन द सेकेंड पेपर, दैट इज द जीएटी। नाउ हाउ डू यू डू वेल इन दिस पेपर, विल फोकस ऑन दैट। इंग्लिश, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चंस एंड दैट मेक्स 1/3 ऑफ योर जीएटी, दैट इज 1/3 मीन्स 200 मार्क्स फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन।
सो इंग्लिश को हम पहले फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए, और 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश. इन 50 क्वेश्चंस इफ यू हैव बीन जनरली ऑल राइट इन इंग्लिश, इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड और इवन स्टेट बोर्ड, बट सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल, इट बिकम स्लाइटली बेटर. अदरवाइज दोज हु आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड ऑल्सो डज नॉट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस. फ्रॉम 50 क्वेश्चंस वी कैन स्कोर एनीथिंग अबव 30. About 30. In fact, I suggest or I recommend that why not go for all 50. But sometimes it is not possible. But if you get above 30, it's a very good score. Now your other section becomes, that is the part B, becomes easier for you to attempt. Now how do you go about scoring 50 or 30 out of 50 in English part? Normally English paper would have 5 distinct subparts. One could be the comprehension or the grammar part. One could be the another 10 questions would be that para jumbled or what we call PQRS. 10 of synonyms, 10 questions of antonyms, and 10 questions of spotting the error, which is again the grammar, pure straight from grammar. So ye aapka 50 question ka distribution ho gaya. Agar aapko पैसेज दैट इज अ कॉम्प्रीहेंशन आता है, पिछले एक दो बार में कॉम्प्रीहेंशन भी स्किप किया है, पर वो चॉइस रहती है यूपीएससी की, कॉम्प्रीहेंशन देना है या उसकी जगह ग्रामर पोर्शन या क्लोज टेस्ट देना है. कॉम्प्रीहेंशन ऑब्वियसली यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, एनी पैराग्राफ फ्रॉम एनी वेयर कैन बी पिक्ड अप, लेकिन दोज हू हैव बीन रीडिंग बुक्स और आर गुड एट कॉम्प्रीहेंडिंग इंग्लिश आर एबल टू डू वेल, क्योंकि वहां पर आप उसकी कोई वैसे कोई तैयारी नहीं कर सकते. रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश अगर अच्छी होती है तो कॉम्प्रीहेंशन इज 10 क्वेश्चंस प्योर स्कोरिंग. ओके, नाउ उसके लिए अभी हम कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो उसको आप या आप थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टोरेज में डाल दें. सेकेंड थिंग इज योर वोकैबुलरी, दैट इज द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. On daily basis, revise. I am sure you would have made some notes. आपने notes बनाए होंगे, आपने books reading करी होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो common words use होते रहे हैं. खास तौर पे ध्यान रखें कि पिछले कुछ question papers उठाकर देखेंगे तो उससे आपको करीब आप ये समझें कि 10 years, 10 sets of question papers, कई सारी books हैं. अगर आपने उनको देख लिया है तो उसमें आपको generally idea हो जाएगा कि किस type के UPSC के set of वोकैबलरी होती है, उस वोकैबलरी को आप पढ़ें और अपने आप को इम्प्रूव करें. यू विल शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम सिनोनिम. इफ यू आर गुड यू कुड गेट अबाउट 18, इफ यू आर नॉट सो गुड यू कुड स्टिल एंड अप गेटिंग 12. बट वर्ड ऑफ कॉशन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम, इफ यू आर क्लूलेस, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें अटेम्प्ट नहीं करिए, उसको छोड़ दीजिएगा. तुक्का मारना या गेस करना कैन बी डेंजरस, स्पेशली इन एंटोनिम एंड सिनोनिम. द नेक्स्ट पोर्शन विच आई वॉज टॉकिंग इज PQRS, फेयरली सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग. आई सजेस्ट यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड. जब आप पढ़ेंगे तो आपकी सीक्वेंसिंग बन जाती है, और इस पोर्शन को मैं रिकमेंड करता हूं कि आखिर में करें क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. इसको आप आखिर में करें, बाकी आप अदर अटेम्प्ट करें जो आपको आता है, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट ऑन योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन. स्पॉटिंग द एरर इज सिंपल. ध्यान रखें कि 10 में से एक आध होता है जो कि नो एरर का होता है. जब हम पढ़ने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हमको महसूस देता है कि किसी में एरर नहीं हो रही है. तो जहां पर एरर, हर एक में नो एरर नहीं लगाएं. एक आध होगा, 1 odd out of 10 वुड बी नो एरर, रिमेनिंग देयर विल बी सर्टेनली सम एरर. लुक फॉर इट, फाइंड आउट, स्पॉट इट एंड डू इट. नाउ कमिंग टू द अदर पोर्शन ऑफ जनरल साइंस एंड सोशल साइंस एंड करंट अफेयर्स. नाउ जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे, फिजिक्स कैरीज अबाउट 20 odd questions, मैक्सिमम नंबर ऑफ questions फ्रॉम द जनरल साइंस पैटर्न. ओके, सो नाउ दीज 20 questions आर वेरी सिंपल, वेरी फ्यू 1 or 2 क्वेश्चन वुड बी ऑफ द कैलकुलेशन टाइप्स, रेस्ट आर स्ट्रेट फ्रॉम योर क्लास 11th, 10th सिलेबस.
आई एम श्योर यू हैव प्रिपेयर्ड वेरियस क्वेश्चंस वेल एंड फिजिक्स इट इज नॉट वेरी टेक्निकल व्हेन इट कम्स टू नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए एग्जाम. इन सोशल साइंस, ओके, बिफोर सोशल साइंस आई कम टू द केमिस्ट्री पार्ट. केमिस्ट्री अगेन इज वेरी सिंपल बट समटाइम्स देयर इज फियर ऑफ केमिस्ट्री. देयर अदर वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज हमने एक दो और वीडियो डाले केमिस्ट्री को हैंडल करने के लिए, आप उनको देख सकते हैं या आपने केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस करी है, पढ़ाई करी है, उसको रिवाइज करें. नया टॉपिक इस वक्त टच करने की कोशिश ना करें. नया टॉपिक अगर अब तो टाइम नहीं है, अब तो अगले अटेम्प्ट के लिए ही आप नया टॉपिक पढ़ सकते हैं. अभी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को मजबूत करना है, ना कि अपनी वीकनेस या जो पोर्शन आपको नहीं आता. बायो इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग. बायो के क्वेश्चंस जो होते हैं मात्र 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, और बायो को सुनकर जो बायो फील्ड के नहीं है, जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी है, वो थोड़ा घबरा जाते हैं. बायो के बहुत सिंपल विटामिन्स, ब्लड ग्रुप्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे बहुत ही बेसिक और सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बायो के, विच शुड बी अटेम्प्टेड विदाउट डाउट. डोंट गेट द मोमेंट यू सी बायो क्वेश्चंस, डोंट गेट दैट बायो फोबिया इन यू. बायो को देखकर ये नहीं लगना चाहिए आपको कि अच्छे बायो है, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ. नहीं, करिए जरूर. आई एम गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सोशल साइंस, द हिस्ट्री, द ज्योग्राफी एंड द पॉलिटी पार्ट. हिस्ट्री सबको पता है, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न. लेकिन अगर आप 20 से 25 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एम्फेसिस आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन होता है. फ्रीडम स्ट्रगल, पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस एंड स्ट्रेस ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल. एज फार एज एंशियंट में आप इंडस वैली और कुछ इस तरह के देख लें, और मेडिवियल से बहुत ज़्यादा नहीं आता. मेडिवियल से अगर आएगा, और एंशियंट से विजिटर्स, जो चाइनीज विजिटर्स या इटालियन विजिटर्स या फ्रेंच विजिटर्स जो इंडिया में आए हैं, उन्होंने ट्रेवलॉग्स लिखे हैं, फाहेन, हुनसेंग, इस तरह के बहुत सारे बर्नियर, उनके बारे में ज़रूर आप देख लें कि वो विजिटर्स कौन आए हैं. ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि विजिटर्स से हमने देखा है कि अमूमन हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है. मॉडर्न पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू. मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा टाइम लगाकर इसको जरूर अच्छे से रिवाइज करें. वेरियस जो गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयज हुए हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाए हैं, रेवेन्यू स्कीम्स, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स ने उन्होंने क्या क्या किया था, वेरियस पैक्ट्स, उनकी सीक्वेंसिंग क्या थी, अलग अलग पैक्ट्स अलग अलग टाइम पे साइन हुए, उन जो इंपीरियलिज्म, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में अलग अलग तरह के रेगुलेटिंग एक्ट लगाए थे या कुछ और चीज़ें इस तरह की करी थी, उसके बारे में ज़रूर पढ़े. एक दो से ज़्यादा क्वेश्चंस उनमें से आते हैं. ये स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हुए हैं, दे आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ ओनली अबाउट रिकॉल फैक्टर. आपको क्विकली रिकॉल करना है और टिक करना है. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई सोचना नहीं है. आपने ऑप्शंस देखने हैं और रिकॉल करना है राइट ऑप्शन पर, अच्छे से टिक करना है, और उसको ब्लैक पेन से आपके जो OMR शीट है उसमें ठीक से कलर करना है. वो भी टेक्निक मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि उसमें कैसे करना है. नेक्स्ट सोशल साइंस का हिस्सा होता है ज्योग्राफी. काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लैंडफॉर्म्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वेरियस फॉर्म्स, उनके बारे में, नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे, टाइम सिस्टम, क्लाइमेट्स, इन सब चीज़ों को एक क्विकली रिवाइज कर लें. हेल्पफुल रहेगा जब आप अटेम्प्ट करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस. वेरियस स्टोन्स की वैरायटी, इग्नियस, और इनमें क्या क्या होते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस, ये सब चीज़ें आप एक बार देख लें और ज़रूर आपको इसमें मदद मिलेगी. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द पॉलिटी. पॉलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटीज कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, और इंडिपेंडेंस से पहले क्या जो उसके जो नींव, जो फाउंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कैसे रखी गई थी, वो पढ़ें. कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट हिस्से, जो शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको जरूर देखें.
उनमें खास खास वो अब जब आप पढ़ने लगते हैं तो उनको आपको पता होता है जब आपने तैयारी करी होगी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पॉलिटी से डरिए मत, पढ़िए, और इसके आपके करीब 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे, स्कोरिंग होते हैं। इकोनॉमिक्स नॉट टू वरी, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन होगा जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड जो कि एक्चुअली बहुत बेसिक होगा, तो इसलिए अभी आप इकोनॉमिक्स का कोई बुक लाकर पढ़ना चाहें संतोष गणेश किसी की तो टाइम वेस्ट होगा। डू नॉट गेट वरीड अबाउट इकोनॉमिक्स पर। द लास्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग करंट अफेयर्स विच कैरीज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेटेज, गो थ्रू इट स्पेशली टिल अक्टूबर, और आई वुड से बिफोर अक्टूबर आपके पिछले 6 महीने का ब्यौरा बिल्कुल पढ़ लें। आफ्टर द एनडीए वन एग्जाम मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस 5-6 महीने के अंदर जो जो मेजर एक्टिविटीज हुई हैं देश में उसको जरूर पढ़ें। नए नए कानून, खास तौर पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जो इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं उनके थीम्स क्या क्या रहे हैं, नए अचीवमेंट्स, तो ये जरूर पढ़ें। इनसे जरूर आता है कि वेरियस समिट्स जो हुई हैं, कोई बिम्सटेक की समिट हुई है, कोई और समिट हुई है, तो उसमें कौन थे, क्या थीम था, तो ये चीज़ जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इफ यू स्टडीड दिस आई एम श्योर आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस यू शुड बी टचिंग अराउंड 80 to 90, assuming that 10 you have done the negative, they are wrong, still you will be able to go up in the good merit. But if you cross, if you are confident about 60 and above right questions without too many negatives, your GAT is, I would be congratulating you, GAT is clear and you will be in the merit. Now, as I say that, I want to see many of you who are watching this video to tell me when once the result comes out that you have got through in merit. But I would also like to compliment and congratulate some of our students whose results and whose merit list have just been declared about a day back, in which we got All India Rank 15th, All India Rank 51, All India Rank 142, and many more selections from the Edge Academy. So watch out for this space and get into the merit list. Now coming to the very important part of OMR filling. It appears very simple कि OMR में करना क्या है, इसको क्यों बता रहे हैं सर, OMR में तो सिर्फ ब्लैक पेन लेके कलर करना है उस सर्कल्स में, और उसमें कई लोग के दिमाग में कुछ इस तरह के इनोवेशन्स आते हैं कि अगर नहीं आता तो हमें चारों में कलर कर देंगे तो वो कंप्यूटर अपने हिसाब से, नहीं ऐसा नहीं होगा। OMR filling is the most important because that is the only thing which is taken by UPSC, that is the only thing which is going to decide your result. So first thing is filling up of your roll number, which should be correctly done without doubt. I would suggest use 0.7 mm, there is a special pen of OMR, don't take any pen, 0.7 mm ka ek aata hai black color ka, achhi brand ka 0.7 OMR ka pen मिल जाएगा एक स्टेशनरी शॉप्स पर, उसको लेकर जाएं। OMR filling should be done not when you solve every question उसके साथ साथ ना करके, बल्कि एक इकट्ठा एक राइट टाइम पर करें। सबसे पहले जैसे आप कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हम जो हमें आते हैं सीक्वेंशियली उसको, जो हमें आते हैं जिसमें कम समय लगता है, लाइक जो स्पेशली फ्रॉम सोशल साइंस के होते हैं जो सिर्फ रिकॉल याद करने होते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स हैं, या कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर के स्ट्रेट अवे होते हैं, या एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं जिसमें कि या तो हमें पता है या नहीं पता, जो हमें श्योर शॉट पता है तो पहले राउंड में उनको हम आंसर बुक में ही टिक करेंगे, OMR में नहीं लेके जाएंगे। जब हमने वो कर लिए तो आई अज्यूम कि आउट ऑफ 150 यू वुड हैव नोन अबाउट 35 to 40. If you know, if you have done 35 to 40 questions in first 30 minutes,
बिकॉज ये रिकॉल फैक्टर वाले हैं और इनमें मुश्किल से आपका एक मिनट पर क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपने अगर ये 40 क्वेश्चंस पहले 30 मिनट्स में कर लिए तो इस वक्त इसको आप इकट्ठा केयरफुली ट्रांसफ़र कर दें OMR शीट में। तो आपका ये आपको पता है कि मैंने इतने 30, दिस इज गोइंग टू बूस्ट यू, दिस इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपने 40 क्वेश्चन कर लिए 35 मिनट्स में। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ गुड नियरली 2 आवर्स। नाउ यू गो बैक टू दोज विच यू नो बट आर टाइम कंज्यूमिंग, ओके, विच यू कैन कॉन्फिडेंटली डू इट। सो आई अज्यूम इन नेक्स्ट वन आवर दैट इज नेक्स्ट 60 मिनट्स, नेक्स्ट 60 मिनट्स यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन विच आर गोइंग टू टेक अबाउट 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। सो 3 मिनट्स पर क्वेश्चन मीन्स अबाउट 20 मोर क्वेश्चन। सो आई वुड से 20 क्वेश्चन इन नेक्स्ट 60 मिनट्स, दैट मेक्स इट 50 to 60 क्वेश्चन। यू आर स्टिल लेफ्ट विद 1 आवर, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 1 आवर। नाउ इज द टाइम विच आर स्टिल लेंदियर क्वेश्चन, जो उससे लंबे क्वेश्चन हैं आपको पता है या जिनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, नाउ इज द टाइम यू अटेम्प्ट दोस। इन नेक्स्ट 1 आवर you will be able to, I would say, assuming that you take about 6 minutes per question, 6 minutes for those lengthy questions, so you will be still able to do about 10 more questions. 6 minutes per question, so 10 more questions, that will take you to about 70 to 75 questions in GAT. And isn't that fantastic? If you get 70 to 75 questions right out of 150, above 50%, you are through. This is a very comfortable scheme, I am telling. Those who are good, those who have practiced, can go up to 90 easily. So boys, keep watching my this Edge Academy page. Subscribe to it. Lot many good tips are coming. I am going to put in another video, because this particular one has gone got bit longer. I am going to tell you lots of tricks and tips for mathematics. What you can do in last 10 days, which is going to increase your score by about 20 to 30%. Watch out. Jai Hind.